आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और उसके साथ साथ सबका प्रयास ये आगे बढ़ा। और हम सब लोग जानते हैं कि फिर चाहे आर्थिक विषय हो, चाहे सामाजिक विषय हो, दोनों ही विषयों में, और चाहे वो सोशल सेक्टर के में अपना योगदान का विषय हो, सभी विषयों में प्रधानमंत्री जी की योजनाएं उसका प्रेरणा स्रोत एकात्म मानववाद रहा और अंत्योदय से वो यात्रा बढ़ते बढ़ते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास तक पहुंचा है। फिर चाहे वो जनधन योजना हो, फिर चाहे वो इकोनॉमिक इंक्लूसिव के कार्यक्रम हो, फिर चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, फिर चाहे वो आयुष्मान भारत हो, फिर चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, फिर चाहे वो उजाला योजना हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब किसान अन्न किसान योजना हो, ये सारी योजनाओं में अगर आप देखेंगे कि किसान को सबल बनाना, गरीबों को संबल बनाना, उनके लिए आर्थिक दृष्टि से उनको मजबूती प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना, स्वच्छता अभियान के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करना, सौभाग्य योजना के तहत गरीब आदमियों के मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने की योजना बनाना, ये सारे कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, यह एकात्म मानववाद के विकास यात्रा का एक परिणाम के रूप में हम सबको देखने को मिला है। और हम सब जानते हैं कि आज इन योजनाओं के तहत भारत की तस्वीर बदल रही है और भारत की स्थिति में जिस तरीके का आर्थिक उछाल आया है, उत्थान आया है, उन सब की वैचारिक यात्रा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचार यात्रा से प्रारंभ होती है। आज हम लोग सभी बूथों पर उनका कार्यक्रम कर रहे हैं और इन बूथों के माध्यम से, जिनकी संख्या है 10,40,000 बूथों पर यह कार्यक्रम हो रहा है, और उनको हम याद करके, उनके कार्यक्रम करके एक वैचारिक दृष्टि से हमको ताकत मिले, हमारे कार्यकर्ताओं को ताकत मिले, और उस स्पष्टता के साथ हम समाज की सेवा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ें और देश को एक सबल राष्ट्र के रूप में हम आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें, इस कामना के साथ आज 105वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता अपने अपने सभी बूथों पर मना रहे हैं। स्कैंडल आना।